नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बराक ओबामा को याद आई मोदी की दोस्ती। अमेरिका में भारत के नए राजदूत के साथ अपनी मुलाकात में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस साल जनवरी में संपन्न अपनी भारत यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी निजी मित्रता को भी याद किया। भारत के नए राजनयिक अरुण सिंह ने ओबामा से राष्ट्रपति के ओवल ऑफिस में मुलाकात की और अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में अपने दस्तावेज औपचारिक रूप से उन्हें सौंपे। वर्ष 1979 बैच के IFS अधिकारी सिंह ने F. जयशंकर की जगह ली है। कॉकपिट का शीशा टूटा, बाल बाल बचे एयर इंडिया के 169 यात्री। एयर इंडिया के एक विमान को मंगलवार को कॉकपिट का शीशा टूटने की वजह से लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारा गया। हवाई अड्डे के निदेशक एस.सी. होता ने बताया कि दिल्ली से भुवनेश्वर जा रहे एयर इंडिया के विमान 321 ने दोपहर करीब 11:54 पर हवाई अड्डा प्रशासन को संपर्क स्थापित करके कॉकपिट का पीछे का शीशा टूटने की वजह से लखनऊ में आपात स्थिति में उतरने का आग्रह किया था। उस वक्त वह विमान खजुराहो के आसपास था। विमान को 12:37 पर लखनऊ हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारा गया। मध्य प्रदेश सरकार कन्यादान में देगी शौचालय। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वच्छता मिशन की दिशा में एक अनूठा निर्णय लिया है, जिसमें कन्यादान योजना में वर वधु को शौचालय देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को महिला नीति की घोषणा की। इसके तहत महिलाओं को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस भर्ती में 33% आरक्षण, महिलाओं के नाम पर भूमि का पट्टा, रजिस्ट्री में छूट समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सड़क हादसे में भारतीय अमेरिकी फिल्मकार की मौत। उभरते हुए भारतीय अमेरिकी फिल्मकार विजय मोहन की फिलाडेल्फिया में एक कार दुर्घटना में घायल होने के एक सप्ताह बाद मौत हो गई। बाइक पर सवार 26 वर्षीय मोहन को एक कार ने टक्कर मार दी थी। शिकागो के उपनगर में जन्मे विजय मोहन ने भारत में माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई की थी और फिर उन्होंने टेम्पल यूनिवर्सिटी से फिल्म और मीडिया आर्ट्स में डिग्री हासिल की। लेंगर नहीं बनेंगे टीम इंडिया के कोच। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज जस्टिन लेंगर ने वाका के साथ कोचिंग करार 2 साल के लिए बढ़ा लिया है, जिससे उनके भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। अभी तक भारतीय कोच के रूप में लेंगर के नाम की अटकलें लगाई जा रही थी। लेंगर ने मंगलवार को कहा कि वे भारतीय टीम के साथ जुड़कर फख्र महसूस करते हैं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ यात्राएं करने से वे परिवार को समय नहीं दे पाते। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।